सर 6 सितंबर के रोज क्या हुआ था? जानो की अपनी क्या हुआ था, जाने क्यों दी थी, किस वजह से? जाने अपने मुल्क के लिए दी थी सर। क्यों क्यों मतलब क्या हुआ था? मुल्क को बचाने, क्यों बचाने की जरूरत पड़ी? कोई परेशानी है उनकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि 6 सितंबर को क्या हुआ था, 6 सितंबर वाले दिन कौन सी जंग पेश आई थी, ये जंग क्यों हुई, इसकी वजूहात क्या हैं। ये तमाम सवालों के जवाब आज हम आवाम से लेने की कोशिश करेंगे और मज़े मज़े के कमेंट्स भी उनसे लेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि 6 सितंबर के हवाले से हमारे पाकिस्तानी लोगों को कितना नॉलेज है। 6 सितंबर को क्या हुआ था? 6 सितंबर यौम-ए-दिफा। किस तरह से दिफा किया था हमने सर? वो एयरफोर्स ने दिफा किया था। कैसे किया था? उन्होंने कहाँ पे हमला किया था, कौन से शहर में? ये नहीं पता भाई। अच्छा, 6 सितंबर को क्या हुआ था? देखिए, इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है यार, पता नहीं है सर। सर 6 सितंबर को क्या हुआ था? पता नहीं, इसको पूछे जा पूछ क्या। सर 6 सितंबर को क्या हुआ? यौम यकजहती थी। ये क्या है? यौम यकजहती। क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? 6 सितंबर के रोज क्या हुआ था? 6 सितंबर यौम-ए-दिफा है जी हमारा। और यौम-ए-दिफा पे हमने किस तरह से दिफा किया था? यौम-ए-दिफा पे हमने बड़ा अच्छा दिफा किया था और बड़ी टक्कर की मार दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम खराज तहसीन पेश करते हैं पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान आर्मी के जाने वालों को। बेहतरीन, जबरदस्त, थैंक यू। सर 6 सितंबर का दिन याद है आपको? क्या हुआ था सर? डिफेंस डे है। डिफेंस डे, डिफेंस डे हम क्यों मनाते हैं? डिफेंस डे सर कहाँ मनाते हैं? क्यों कहाँ मनाते हैं? मनाते है नहीं, है ही नहीं। डिफेंस डे क्यों मनाना चाहिए? डिफेंस डे क्या डिफेंस कर रहे हैं? क्या था ये याद नहीं। म्यूजिक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 6 सितंबर को क्या हुआ था? 6 सितंबर हमारा यौम दिफा है। हमने किस तरह से दिफा किया? हमने किस तरह से दिफा किया था? 6 सितंबर को हमने क्या कहते हैं, आज के दिन हुआ क्या था? आपको भी पता है, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सर 6 सितंबर को क्या हुआ था? यार भाई जो भी हो रहा ना, बहुत सख्त ही हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, महंगाई ने तो बात की हुई है। 6 सितंबर को याद की है? सही है, ठीक है, समझ गया। सही है, ठीक हो, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है। 6 सितंबर को क्या हुआ था? यौम-ए-दिफा का दिन, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे 6 सितंबर का दिन क्या हुआ था? सर मेरे ख्याल में फौज, जो हमारे मुल्क के फौजी हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की अपने मुल्क के लिए, और हमें भी सीखना चाहिए कि अपने मुल्क के लिए अपनी जानों की अपनी क्या हुआ था, जानें क्यों दी थी, किस वजह से? जाने अपने मुल्क के लिए दी थी सर, फौज थी। क्यों क्यों मतलब मुल्क क्या हुआ था? मुल्क को बचाने, क्यों बचाने की जरूरत पड़ी? कोई परेशानी है उनकी वजह से। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5 में। 6 सितंबर को क्या हुआ था? बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है पाकिस्तान का, सोचो जरा। पता नहीं 6 सितंबर को क्या हुआ था? जनाब पाकिस्तान की फौज ने बड़ी फतह दी थी, जनाब पाकिस्तान की फौज ने बड़ी अच्छी कुर्बानी दी है। हुआ क्या था 6 सितंबर, क्यों याद किया जाता? 6 सितंबर को अपने फौजी शहीद हुए थे और पाकिस्तान, क्यों हुए थे, क्या करने गए? पाकिस्तान को बचाया था। किस लिए? पाकिस्तान की सलामती के लिए। आज के दिन को किस नाम से जाना जाता है? फौज, पाकिस्तान की फौज के लिए जाना जाता है। आपको याद है? बस शुक्रिया, जो जवाब दे दिया शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 6 सितंबर को पाकिस्तान जिंदाबाद हुआ। जिंदाबाद, सर 6 सितंबर का वाकया कुछ याद है थोड़ा बहुत? नहीं सर, जुड़ा नहीं सर। मजा आया बुजुर्गो, 6 सितंबर का वाकया याद है, की होया सी? कोई पता नहीं। सर 6 सितंबर को क्या हुआ था? यौम-ए-दिफा है यार। यौम-ए-दिफा वाले दिन क्या हुआ, हमने कैसे दिफा किया? सर 1965 की जंग जीती थी अवाम ने। बिल्कुल सही, करीब करीब पहुंच गए हैं। और कितने दिन ये जारी रही थी जंग?
खैर इसका तो नहीं मालूम है। हमने दिफा कैसे किया था, पहले हमला किसने किया था? इंडिया ने हमला किया था, जाहिर सी बात है, लाहौर वाली साइड से। परफेक्ट यार, वेरी गुड वेरी गुड। आपको याद है? नहीं नहीं, हमने कौन सी क्लास में? 8th में। 8th क्लास में। अच्छा ये बताओ कि 6 सितंबर के दिन क्या हुआ था, याद? जंग हुई थी। कौन जीता था? पाकिस्तान। आज के दिन को क्या कहा जाता है? योम-ए-दिफा। हाँ जी, डिफेंस डे कहा जाता है। आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी, पाकिस्तान जीत गया था। अच्छा, और इंडिया ने कहाँ पे हमला किया? इंडिया ने लाहौर वाली साइड पे। वेरी गुड यार। सर 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 6 सितंबर को क्या हुआ था? सर 6 सितंबर। एक तालीमी इदारे में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ स्टूडेंट से भी बात करेंगे और जानते हैं कि उनके पास इस मुनासबत से जो है कितना नॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा 6 सितंबर को क्या हुआ था? जंग हुई थी 1965। 1965 सॉरी 1965 1965 6 सितंबर को क्या हुआ था? 1965 की जंग हुई थी। इसमें हमने क्या किया था? इसको किस दिन, इसको किस नाम से मंसूब किया जाता है? योम-ए-दिफा के नाम से मंसूब किया जाता है। शुरू के भारत ने रात को हमारे मुल्क में हमला किया था। रात को उन्होंने ये सोच के हमला किया था कि हमारे फौजी वगैरह सो वगैरह होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारी फौजी रात को भी जाकर हमारे अपनी शहादत के लिए दुआएं मांगते हैं। सर 6 सितंबर के रोज क्या हुआ था? अरे मैं क्या बताऊं, मैं ठीक हो गया। आपको याद होगा, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे देता हूँ, मैंने पाकिस्तान के कौमी तराने की मुनासबत से एक वीलॉग बनाया था। उसमें भी मेरी इंटेंशंस जो हैं वो ये नहीं थी कि मैं ये चेक करूँ कि लोगों को कौमी तराना आता है या नहीं आता। मेरा मकसद किसी की तजलील करना, किसी का मजाक उड़ाना बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे कौमी तराना आना चाहिए। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे हमारे मुल्क की एटलीस्ट हिस्ट्री पता होने चाहिए, एटलीस्ट सीधा सीधा जंगे पता होने चाहिए, वो तारीख पता होने चाहिए, उन तारीखों में हुआ क्या था ये पता होना चाहिए। ये एटलीस्ट बतौर पाकिस्तानी ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा कौमी फरीज़ा है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे पास होनी चाहिए। इसी नीयत के साथ और इसी इंटेंशन के साथ आज का व्लॉग भी मैंने बनाया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर पसंद आया, और इस तरह की अपडेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं हिट द बेल आइकन बटन, ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोज़ भी पहुँचती रहें। सलाम।